हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एक एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस, वाई और चेंज इन वाई के बेसिस पे, साथ ही साथ उसका ट्रेंड साइकिल देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। जो स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है जैसा इस पे डेटा बने हैं। तो उस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या है इसके ऊपर। तो सबसे पहले एनएससी के ऊपर कारोबार देखेंगे। तो इसकी क्लोजिंग जो हमें देखने को मिल रही है वो 350-95 के आसपास क्लोजिंग है और इसने हाई कल बनाया था 355 का, लो बनाया था 349 का और फाइनली क्लोजिंग दिया 350-95 पे। तो ये हमारा स्टॉक है जो इस तरह से पिछले दिन का कारोबार ऐसा हुआ है। अगर इस पर वॉल्यूम देखें तो करीब 50 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और करीब 10 लाख के आसपास डिलीवरी के लिए लिया गया है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 19% के लिए का डिलीवरी के लिए उठाया गया है इसमें आपका स्टॉक। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए, हम लोग आ गए ऑप्शन चेन के ऊपर और जो स्टॉक है वो BPCL है जिसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं 350.95 पे 23 अक्टूबर की क्लोजिंग है। अब हम लोग बात करेंगे इसके रेंज की और एक्सपायरी है, देख लीजिए हम कौन से ऑप्शन चेन के एनालिसिस कर रहे हैं। तो 29 अक्टूबर की ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहे हैं जो 29 अक्टूबर की एक्सपायरी है। तो अब हम लोग इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहेंगे और हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपका हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक प्रोवाइड कर सकता है जबकि हाईएस्ट सपोर्ट हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक प्रोवाइड कर सकता है। तो अब हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर से इस कॉलम से गुजरेंगे और देखेंगे कहाँ हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर ये BPCL ऊपर की तरफ भागता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और करीब 2,17,000 का अनवाइंडिंग देखने को मिला है। यह स्ट्राइक है 400 का, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस है और जब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि 23,81,000 का ओपन इंटरेस्ट इस जगह खड़ा है और यहाँ पे 46,000 का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। यह स्ट्राइक है 360 का, तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हो सकता है। और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और यहाँ देखने वाली बात है करीब 5 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है जो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स थोड़े से डरे हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ट्रैप समझ रहे हैं तो इधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जगह आप देखेंगे तो प्रत्येक स्ट्राइक पर वैसा दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस जगह पे करीब 14,47,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मामूली सा अनवाइंडिंग करीब 64,000 का, स्ट्राइक है 350 का, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट है। सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर खड़ा है और 37,000 का अनवाइंडिंग है और 360 का लेवल है, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट ही है। हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट जो कि फर्स्ट हाईएस्ट सपोर्ट से ऊपर ही है सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट। तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि शायद इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट सपोर्ट है उसके ऊपर है सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट इस वजह से। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो रेंज हमारे सामने निकल के आ रही है 340 से लेके 400 तक का रेंज सामने निकल के आ रहा है और जो हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक का काम करेगा वो 350 का पाइवट स्ट्राइक का काम कर सकता है। 350 का जो स्ट्राइक है वो पाइवट स्ट्राइक का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे 17 लाख इधर और 14 लाख इधर आपके वाई खड़ा है, तो ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक का काम करेगा। अगर 350 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा, 350 के ऊपर सस्टेन करने लगा मे बी 1 आवर के लिए, तो हमें आने वाले 1-2-4 दिनों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ जो 400 की तरफ जाएगा।
तो अगर इसके ऊपर सस्टेन शुरू करना करता है तो 360, 370, 390 और 400 की तरफ जाएगा, और नीचे अगर सस्टेन किया तो 340 और 330 की तरफ और 320 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये एक तरह से इसका जो 350 स्ट्राइक है वह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ऐसा इस पे दिख रहा है। अब इसका ट्रेंड साइकिल चेक करेंगे। बिफोर दैट अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए नज़र आई है, इस जगह पे कॉल राइटिंग होते हुए नज़र आई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इधर आपको पुट राइटिंग होते हुए नज़र आई है, मतलब ये बता रहा है कि पिछले दिन BPCL रेंज में था और पिछले कई दिनों से रेंज में भी चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल रेंज में चल रहा है, और रेंज एक बार ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ये आपके वाई के ऊपर दिख रहा है। अब चलिए आप ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वहाँ क्या चल रहा है। अगर पिछले कई दिनों से ट्रेंड साइकिल को देखें तो लॉन्ग हमें देखने को मिला, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला और शॉर्ट कवर देखने को मिला, और चार दिन को ले लें तो चारों साइकिल इस पर आ गए हैं सब अलग अलग। तो इस पर भी ये बता रहा है कि अभी तक कंसोलिडेशन था, क्योंकि अलग अलग साइकिल हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर हमें लॉन्ग देखने को मिलता है, एक दो लॉन्ग और हमें देखने को मिल जाता है, 350 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें काफ़ी अच्छा रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है। ये ओवरऑल एनालिसिस था BPCL के ऊपर। आशा है आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।